टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो तस्वीर क्या मनोजीत जी विचलित करती है, और जितने लोगों की जान गई है राजनीतिक हिंसा में बंगाल में, क्या वो आज होली उनके घर वाले परिवार वाले होली मना पा रहे होंगे मनोजीत जी? नहीं, पहली बात यह है, बहुत एक दुर्भाग्य की मौत घट गई है। हम पूरे परिवार को हम संवेदना जताते हैं, लेकिन ये भी और दुर्भाग्य की बात है सहित जी, कि देश की होम मिनिस्टर, बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के, इसके साथ भी राजनीति देखते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, दो दिन पहले ये मुतरमा अस्पताल से रिलीज हुए थे, डिस्चार्ज हो गए, दो दिन पहले। एक बहुत ही बड़ी बड़े अस्पताल है हमारे कलकत्ता में, बहुत ही बड़ी अस्पताल है, नाम में लेने चलता, दो दिन पहले उनको डिस्चार्ज हो गया, आज उनके बहुत एक दुर्भाग्य की मौत हो। आप मेरे को ये बताइए, अस्पताल से घर आके उनका अगर मौत हो जाते थे, आप कैसे ये केस कह सकते हो कि उस घटना घटी, उस घटना की बात अस्पताल से डिस्चार्ज है, उसके बाद उसी घटना के जरिए मौत हुई। और पहली बात यह है, टीएमसी ने नहीं कहा कि इस घटना के साथ एक पारिवारिक विवाद, टीएमसी ने नहीं कहा भाई साहब। आप दिख लीजिए, खुल के फरवरी मास में जो रिकॉर्डिंग हो रहे थे इलेक्शन अनाउंस होने के पहले है, उनका ही फैमिली का दूसरे ओर से यही आरोप आ रहा था कि इस फैमिली में वो जो लड़का है उनके ऊपर आरोप आ रहे थे, वो उनके माँ को मारते है पीटते है। ये हम लोग ने नहीं कहा था भाई साहब, टीएमसी दूर दर तक इसके साथ कोई इनका कोई संबंध नहीं थे, आज भी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, इन्वेस्टिगेशन तक आज तक नहीं हुआ, क्या मौत का रीजन क्या है, पोस्टमार्टम भी नहीं हुई, और ये लोग कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। आप लोगों के पास कोई और इशू नहीं है भाई साहब? एक 85 ईयर्स की उम्र की बहुत ही बुजुर्ग जो हमारा मुतरमा है, जिनके बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक मौत घट गई है अस्पताल से रिलीज होने के बाद, आपको इस घटना के से भी पॉलिटिक्स नजर आ रही है सिकंदर भाई? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।